हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं, खाली बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। रीत को भी आज से बुखार होने लगा और कल से इन लोगों का एग्ज़ाम है, तो दोनों का ही तबीयत बहुत ख़राब है। बच्चे लोग बोल रहे थे कि स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे लोगों का तबीयत ख़राब है। ये सीज़न ऐसा ही है कि तबीयत ख़राब होता ही है। और जैसे मेरा थोड़ा सा डस्ट एलर्जी टाइप का ठंडा ठंडा लग रहा है ना, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ 10 बजे, 9:30 बजे, तब भी हवा लग के थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। दो दिन से बीच में गर्म लग रहा था, तो मैं स्वेटर शॉल और यूज़ नहीं कर रही थी या कुछ भी, तो मुझे ना फिर से हवा लग के थोड़ा सा मुझे भी सर्दी जैसे लगा। तो मैं कल से अपना जो एलर्जी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने दिया था वो फिर से खा रही हूँ। वो मिस्टर पुरोहित ने मंगा दिया है, वही वाला 4-5 दिन से मेरा ख़त्म हो गया था, मैं नहीं खा रही थी। एक्चुअली वो 3 महीने के लिए बोले थे, उसके बाद जाके दिखाना चाहिए था लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा है। फिर बाबू का तबीयत ख़राब, फिर उसका भी एग्ज़ाम है और कल से इनका एग्ज़ाम भी वैसे स्टार्ट है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो वो मैं खाना स्टार्ट कर दी हूँ, बीच में जाके दिखा दूँगी। तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना है। एक्चुअली ये वीडियो मैं कुछ दिन पहले शूट की थी, उसके बारे में है। चलिए पहले उसको देख लेते हैं आके, फिर आपको उसके बाद क्या हुआ वो मैं दिखाऊँगी। वो मतलब क्या चीज़ है, क्या मैं की और अभी वो कैसे हुआ है वो चीज़ दिखाऊंगी। चलिए वो वीडियो देख के। ये लाई थी और ये एक्चुअली ऐसे नहीं था, ये ऐसे स्टैंड में लगा था और ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहने वाला था। जैसे आप देख रहे हो ये मार्बल टाइप का है, पर पूरा प्योर मार्बल पता नहीं प्योर मार्बल है या नहीं, इसको तो ऐसे करने से ऐसे निकल जा रहा है, चौक खड़ी टाइप का लग रहा है। और ये ऐसे टूट गया जो मैं लाई थी। ये तो एक हिसाब से मतलब भाई भाभी और युग का है बोल के, लेकिन क्या करें, ये पूरा टूट गया है, तो मुझे इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखती हूँ, मैं ये प्लाईबोर्ड लाई हूँ उसके लिए, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे करूँगी। ये प्लाईबोर्ड लाई हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके रखी हुई हूँ। पता नहीं क्या करूँगी, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, करने का ट्राई करती हूँ। और ये मैं अभी बनाने जा रही हूँ, ये ऐसे शायद करके इसमें स्टिक कर दूँगी बोर्ड में। और इसको स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एमसिल, ये वाला जो वो ऐसे पैकेट में आता है ना, और उसको फिर ऐसे मिक्स करना रहता है। तो चलिए देखते हैं मैं आगे क्या क्या करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बोर्ड में अच्छे से सजा दिया और उसके बाद जो एमसिल है उसको लेके जहाँ जहाँ पे टूटा था वहाँ पे पहले ऐसे करके लगा दिया ताकि वो जॉइंट हो जाए। इससे तो समझ में आ गया कि वो जॉइंट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अगर नीचे स्टैंड से ऐसे चिपका देती तो चिपक जाता, लेकिन फिर से कहीं पर गिर गया तो टूट जाता। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा अच्छे से फिक्स कर देती हूँ, इसलिए मैं प्लाईबोर्ड लाई। आप लोगों ने वीडियो देखा जैसे मैं ये वाला जो बना रही थी, देखिए ये पूरा चिपक गया है, क्योंकि ये करीब बहुत दिन पहले का है वो वीडियो। मैं एक्चुअली वो उस दिन कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन ये एमसिल सूखना मतलब ज़रूरी है ना, तो वो नहीं सूखा उस दिन, तो उसके नेक्स्ट डे और मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट के लिए इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये सूख चुका है। मैं सोची आपको दिखा देती हूँ और इसको कंप्लीट करके और एक दिन दिखाऊंगी। तो देखिए ये मार्बल ऐसे पूरा बहुत अच्छे से पूरा स्ट्रांगली देखिए पूरा चिपक गया है, पूरा गिरेगा भी नहीं। तो आप ऐसे ही रीयूज कर सकते हो कोई भी चीज़ को, मतलब कोई टूट जाए या कुछ हो जाए तो उसको फेंकिए मत, थोड़ा सा आइडिया करके क्या करने से होगा। जैसे मैं ये कि इसको पेंटिंग करूँगी मैं ये वाले हिस्से को, इसको तो ज़्यादा नहीं करना। इसको करने के बाद क्या क्या क्रिएटिविटी करती हूँ वो फिर दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो चिपक गया है, तो आप लोगों ने देख लिया है ये पूरा अभी स्ट्रांग हो गया है अभी। तो बाकी कुछ मार्बल्स भी हैं मेरे पास जिसको मैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ये वाला आइडिया मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइए, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपके साथ शेयर करना था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि आज स्पेशली ये ब्लॉग में मैं जिसके बारे में बात करूँगी उसी का ही मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं बैठी थी। तो ये वीडियो मुझे याद आया, मैं सोची आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मुझे दिखा, सोची कि आपको दिखा देती हूँ फिर आपसे वो इम्पॉर्टेंट बात करूँगी। तो वो इम्पॉर्टेंट जो बात है, एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले फेसबुक में मुझे मैसेंजर में मैसेज आया था, एक है जो कि वीडियो बनाते हैं, जी हाँ ब्लॉगर हैं वो भी बलांगीर के पास ही, तो उनका जो चैनल है ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है,
हैं, नया नया किए हैं वो, तो वो धीरे धीरे करके वीडियो बना रहे हैं। उनका कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो सामने, मतलब उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हिचकिचाहट होता है सामने आने के लिए, लेकिन वो अपना दम लगा के कैसे आई, वो सब चीज़ वो मुझे अपने मेरे मैसेंजर में मेरे साथ शेयर की। तो मैं बहुत दिन से नहीं दे, मैं ना, मुझे ना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाऊँ सब, मतलब मीडिये में। मैं क्या करती हूँ, जो कुछ है मैं छोड़ना होता है छोड़ देती हूँ, और जो जो इम्पोर्टेंट कुछ रिप्लाई देना होता है वो देती हूँ, और ज़्यादातर मैं फेसबुक में भी बहुत कम रिप्लाई देती हूँ या मैसेंजर में भी, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। इसीलिए आपको तो पता है मैं कितनी, मतलब थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, क्योंकि सब चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, सब चीज़ में मैं उतना रिप्लाई नहीं दे पाती। तो बस मैं उनको भी रिप्लाई नहीं दे पाई थी, लेकिन बहुत दिन हो गया है, जैसे बहुत दिन पहले, मतलब 10-15 दिन पहले मैं उनका अचानक से वो मैसेज देखी, और वो मुझे बोले थे कि दीदी आप मुझे सपोर्ट करो। तो मैं उनका अपने यूट्यूब चैनल में, आप देखिए कम्युनिटी जो है वहाँ पे, मैं उनका छोड़ दी थी लिंक एंड फोटोग्राफ के साथ। तो वो बोली थी कि आपके वीडियो में बोल देना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, सिचुएशन नहीं परमिट कर रहा था कि मैं कोई वीडियो में उनका ऐसे डाल दूँ। सोची कि शॉर्ट वीडियो करके डालूँ, फिर सोची कि नहीं मैं अच्छे से वीडियो में बोलूँगी। तो अचानक से आज क्या हुआ, मैं जैसे फ़ोन पकड़ के स्कूल से आई, 5:30 बजे करीब जस्ट बैठी थी, तो एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब में, वो भी किसका, तनुजा का, प्रशांत तनु तनुजा, जो तनुजा है उसका वीडियो आया। तो उसका वीडियो मैं तुरंत क्लिक की, अगर मुझे टाइम होता है तो उसका वीडियो मैं देखती हूँ, अगर मैं देख, अगर मेरे सामने आ गया तो यूट्यूब, मैं यूट्यूब में भी उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ, मतलब वीडियोस नहीं देख पाती हूँ, बस करके छोड़ती हूँ और थोड़ा सा चेक करती हूँ, इतना ही मेरा काम है। तो मैं तनुजा का जस्ट देखी, खोली, बोली कि चलो देखते हैं, उसकी बेटी को थोड़ा सा याद आया तो मैं बोली देखते हैं। तो वहाँ पर मैं सरप्राइज हो गई कि जो मुझे मैसेज की थी जिनका वीडियो, वो आज तनुजा के घर आई है और उनसे मिलने के लिए, और मैं तुरंत फिर मेरा फ़ोन उठाई और मैं वीडियो बंद कर दी उसका, तुरंत फ़ोन उठाई और मैं चेक की, तो वो मुझे मैसेज की है फिर से, मैं और नहीं देखी वो, सोचिए मैं इतना, मतलब उलझ गई थी, मैं सुनी भी नहीं पाई, वॉइस नोट भेजी थी कि दीदी आप तनुजा दीदी का एड्रेस थोड़ा बताओ तो मैं जाऊँगी उनके पास, तो एड्रेस थोड़ा, तो मैं आज उनको रिप्लाई दी कि मैं नहीं सुनी थी और आज सुनी, आज देखी तुम्हें उसके घर, तो बहुत अच्छा लगा, तो वो, मतलब बहुत अच्छा लगा, आप उसको उसका मतलब वीडियो में भी वो उनके बारे में बताइए, उनके घर में है वो, गई थी आज, तो बस तनुजा वीडियो बनाई है उनके साथ। तो उनका जो चैनल का नाम है वो है सीमा किचन ब्लॉग, तो ये देखिए ये है उनका चैनल, मैं सब्सक्राइब की हूँ उनके चैनल को, ठीक है, उल्टा दिख रहा है, मैं था यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी, सीमा किचन ब्लॉग। तो उनके ब्लॉग को जाके आप सपोर्ट कीजिए, उनका वीडियो देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी और आगे ग्रोथ कर सकें। वो एक ऐसी लड़की है जिनका कुछ प्रॉब्लम है फेस में, बॉडी में, ठीक है, जो प्रॉब्लम की वजह से वो सामने नहीं आ पा रही है, वो चीज़ को आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो वो आगे बढ़ पाएगी, और बहुत अच्छी लड़की है, उनका वीडियो भी बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा, आप जाके देखो उनका, उनको सपोर्ट कीजिए। उनका जो प्रॉब्लम है आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, उनके बॉडी में, स्किन में ना वाइट पैचेस हो गए हैं, जो कि कॉमन बहुत लोगों को होता है ये वाला। तो मैं तनुजा का वीडियो भी देखी और उनका भी बहुत वीडियो मैं देख चुकी हूँ जब वो मेरे साथ कांटेक्ट की थी, तो बस उनका ना यहाँ पे आँख के ऊपर बॉडी में भी, हाथ में भी वाइट पैचेस हो गए हैं, जिसके वजह से उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता सबके सामने आने के लिए, लेकिन वो दम करके सामने आके वीडियो बना रही है। उनका शादी नहीं हुआ अभी तक, उसी के लिए ही उनका शादी नहीं हुआ। तो जो भी है वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, बहुत ही स्ट्रांग है वो, और उनको आप सपोर्ट करो। वो मुझे दीदी बुलाती है, वो छोटी है मुझसे, बहुत छोटी है, तो बहुत अच्छी लड़की है। आप प्लीज़ उनके वीडियो को देखिए जाके और सपोर्ट कीजिए, थंबनेल में मैं दे दूंगी, और आप जाके उसको सर्च करके उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, यही बस आपसे रिक्वेस्ट करना था। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, और जितना हो पाएगा मैं उनको सपोर्ट करूँगी। मैं तो सब्सक्राइब कर दी हूँ, हमारे घर के ज़्यादातर मोबाइल से सब्सक्राइब हो गया है, तो आप लोग भी उनको सब्सक्राइब करके उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।